ये चीज अगर पहले हो जाती तो यार क्या क्या हो जाता, बर्फबारी कितनी देखने को मिलती। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आए नैनीताल अपडेट। और नैनीताल में वेदर जो है एकदम से बदल गया कुछ ही अचानक से, जो है एकदम से जहाँ पूरा सूखा सूखा था वहाँ पर थोड़ा व्हाइट व्हाइट देखने को यहाँ पर फिर से मिला है। तो क्या ये बर्फबारी थी, क्या था, थोड़ा आपका सब कुछ यहाँ पर डाउट कर देंगे हम क्लियर। काफी लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया था क्या यहाँ पर बर्फबारी हो गई है, तो पूरा वीडियो देखिए और समझ जाएंगे आप खुद ही खुद। दोस्तों यहाँ मौसम में जो है कुछ दिन पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी देखने को मिली थी पूरे नैनीताल के अंदर में। लग रहा था इस बार की जो है गर्मी काफ़ी जल्दी आ गई है, और ये नैनीताल के साथ में नहीं, पहाड़ी एरिया में ही नहीं बल्कि शहरों में भी आप देख सकते हैं काफ़ी गर्मी यहाँ पर हो गई थी। लेकिन एकदम से जो है फिर से मौसम यहाँ पर चेंज हुआ। कुछ दिन पहले इतनी तेज़ हवा यहाँ पर चल रही थी और गर्मी भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली थी नैनीताल में। और धूप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर आई हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से धूप यहाँ पर आ रही थी हर टाइम। और जो है अचानक से यहाँ पर जो है 16 तारीख से मौसम ने थोड़ा सा करवट ली और जो है बादल यहाँ पर आसपास में मंडराने हुए। 16 तारीख में यहाँ पर थोड़ा जो है ओले वगैरह देखने को मिले थे, और जो है वही हुआ 17 तारीख को भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ओले देखने को मिले। ओले और जो है बजरी टाइप की होती है, जो कि मैंने आपको बर्फ वाली वीडियो में काफ़ी बार बताया भी है। अगर नहीं देखी हो आपने तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। तो जो है बर्फ़ पड़ने से पहले मैंने बताया था कि बजरी पड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, और जो बजरी होती है वही जो है बर्फ़ को अपने ऊपर टेक पाती है, यानी बर्फ़ उसके ऊपर टिक पाती है अच्छी तरीके से। तो ये पूरे हमें जो जनवरी में नीचे की साइड कहीं भी देखने को नहीं मिली, ना ही दिसंबर में देखने को मिली, ना ही फरवरी में ये देखने को मिली, और देखें ये मार्च में ही देखने को हमें मिल रही है। तो कितने यहाँ पर जो है दुख की बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पर वीकेंड अब खत्म हो चुके हैं, विंटर्स में जो छुट्टियाँ पड़ती हैं वो सभी खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद जो है इस तरीके से कुछ यहाँ पर मौसम देखने को मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन बर्फ़ तो यहाँ पर नहीं कहेंगे ऐसे बर्फ़ क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी लोगों को देखने में ये लगेगा भी बर्फ़, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको भी लग रहा होगा कि बर्फ़ है। बर्फ़ और इन दोनों में आपको देखिए डिफरेंस कैसे देखने को मिलेगा, मैं आप देख सकते हैं वीडियो में अभी जो चल रही है आपके सामने, दोनों ही डिफरेंस हमने आपको आमने सामने यहाँ पर दिखा दिए हैं। लेकिन हालांकि ज़्यादा यहाँ इसमें अंतर देखने को नहीं मिल सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो जहाँ से हमारी ट्रॉली स्टार्ट होती है यानी कि रोप वे, यहाँ पर भी जो है कितनी अच्छी खासी यहाँ पर पड़ी हुई है, पूरी वाइट वाइट छतें जो है पूरी वाइट वाइट दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ गई हो। एक बार को हम लोगों को भी यही लग रहा था कि जैसे बर्फ़ यहाँ पर पड़ गई हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे सामने बजरी यहाँ पर गिर रही थी, जिसे कि आप ओले कहते हैं, बहुत छोटे कण से होते हैं, ओले से थोड़ा छोटा सा होता है। पूरे नैनीताल में ये जो है हर तरफ जो है वाइट वाइट हो गया था, हर तरफ पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा ये वाइट हो गया था। और अगर ये पहले पड़ गया होता यार कितनी बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिलती, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती। फिलहाल जो है इतनी ही पड़ी है और ये जो वाइट वाइट हो गया, और आज भी जो है उम्मीद है पूरी कि मौसम थोड़ा सा यहाँ पर बदला हुआ है और काफ़ी ठंड यहाँ पर हो गई है पहले से ज़्यादा। अगर आप आना चाहते हैं ठंड देखने के हिसाब से आप लोग आ सकते हैं, काफ़ी चेंज यहाँ मौसम हो गया है पहले से। और प्लेन्स में भी जो है हवाएं वगैरह चल रही हैं, वो इसी की वजह से चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा ये ओलावारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आपको बता दें कि आपके जो है बद्रीनाथ साइड में काफ़ी बर्फबारी भी हुई है, वजह से ठंडा जो है हर जगह देखने को ही मिल रहा है, चाहे वो पहाड़ी एरिया में हो चाहे प्लेन्स में हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।